करण गहलोत जी का सवाल, उम्र है 29 साल, 40 साल प्लान, 40 ईयर्स प्लान फॉर 40 ईयर्स, या 40 साल की उम्र तक के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। SIP 20,000 की है, ICICI निफ्टी इंडेक्स, ICICI नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ICICI सेंसेक्स इंडेक्स, मेरा एमर्जिंग, मेरा टैक्स सेवर और बाकी के 11,000, इनमें कुछ पैसे है और जो 11,000 बचे उसके अलावा वो कुछ डायरेक्ट स्टॉक में डाल रहे हैं। एक स्मॉल कैप फंड का नाम चाहते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि हम कहते हैं कि आप फंड हाउस के लेवल पे भी डाइवर्सिफाई करें, ये बात क्या इंडेक्स फंड के, इंडेक्स फंड बेस्ड पोर्टफोलियो में भी लागू होती है? नहीं, पैसिव की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी फंड मैनेजर पर निर्भर नहीं है, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। अच्छी बात पैसिव की यही होती है कि आप जो एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं उसमें से फंड हाउस का या फंड मैनेजर का एक्सपेंसिव सैलरी नहीं जा रहा है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी फंड हाउस का लीजिए जहां पर सबसे कम एक्सपेंस हो, इनफैक्ट वहां से लीजिए। थोड़ा ट्रैकिंग एरर देख लीजिए। ICICI का इंडेक्स होना, निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी होना बहुत अच्छी बात है, सेंसेक्स भी होना रिपीटेटिव है, इतनी जरूरत नहीं है, आप उसे कम कर सकते हैं। स्मॉल कैप की जहां तक बात है, कोटक स्मॉल कैप, DSE स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, तीनों ही काफी अच्छे फंड है, आप कहीं पर भी चले जाइए।